मत्था टेक के नहीं नंगी है मुंह पे मारो मेरे मुंह पे। चलो जितेंद्र शुरू हो जाओ, आपको वैसे स्टेप तो याद हो गए होंगे। टाइम हो गया है 7:30। तो जो हमने टाइम सोचा था ना उसी टाइम पे हम एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उठे हैं और रेडी हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। तो बैडमिंटन पहले हमें ढूंढना भी पड़ेगा कि हमने देखना कहाँ घुसा के रखा है। हम जा रहे हैं फिर बैडमिंटन खेलने। शटल ढूंढ लेते हैं, बस मिल जाए शटल। नहीं चलो शटल नहीं मिलते तो एक्सरसाइज तो कर ही लेंगे और करते हैं अपनी ये वाली शुरुआत। तो मेरे को बहुत मजा आता है। तो आप भी तो भागो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और टाइम हो रहा है पीछे सामने बोलने लगी थी 7:45 और अभी हम निकल रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। थोड़ा लेट है पर ठीक है चलता है। मत्था टेक के नहीं नंगी है? चलो आज जितेंद्र आज मैं आपको हराने वाली हूँ। और आज जितेंद्र को मैंने पूरी तरह हराया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ गेम टाइप नहीं खेलते हैं। वैसे ही है कि हमारी भागने भूगने वाली एक्सरसाइज हो जाए। ज़्यादा टाइम खेले नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेट थे। आज मेरे साथ जितेंद्र भी एक्सरसाइज करने वाले हैं और मैं इनको कह रही हूँ कि योगा मैट ले आओ अंदर से। कहते मैट क्यों लाने, ऐसे ही कर लो नीचे में। आपने तो कुछ नहीं करना, मेरे को तो करना है ना। इन्होंने तो अपने पुशअप्स निकालने, उसमें तो ये कहीं टच हो गए नहीं। पर मैंने जो एक्सरसाइज करनी है मुंह पे मारो मेरे मुंह पे। मैंने तो मेरे को तो जरूरत है। ये देखना अब मेरा भी बिछा दे यार। चलो जितेंद्र शुरू हो जाओ, आपको वैसे स्टेप तो याद हो गए होंगे। चलो चलो उठो। फर्स्ट स्टेप कौन सा है देखते हैं। नमस्कार से पहले थोड़ी देर शवासन कर लेते हैं। अच्छा उठो उठो उठो। लेजीपन की हद होती है। शवासन करा लो इनको। बटरफ्लाई बाद में बनाएंगे। चलो उठो। 1 मैंने अभी बनाना शेक बना रही थी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बनाना शेक से वेट इंक्रीज होता है या वेट लूज होता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको बनाना शेक पीना चाहिए। और जब आप वेट लूज करना चाहते हो तब भी ये हेल्पफुल ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं कि इससे आपको फुलनेस की फीलिंग आती है और इसमें फाइबर होता है जिसकी वजह से आपका टमी फैट या आपका जो भी बॉडी फैट है वो रिड्यूस होता है। हे गाइस, तो मैं आपको ना अपने टाइम टेबल के बारे में पहले ऐसे थोड़ा फटाफट सा बता दूं, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। बट हमने मतलब मैं आपको तब से दिखा रही हूँ कि डे 1 डे 2 और ये आज है डे 3 और ये कैसे निकला। बहुत ऐसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस चीज़ में कि हमें टाइम टेबल फॉलो करना है इतने टाइम्स, क्योंकि बिना टाइम टेबल के ना सच में चीज़ें नहीं हो पाती, आपको थोपना पड़ता है एक पॉइंट पे। बट फर्स्ट डे तो हमने बहुत ऐसे निकाला, मतलब बहुत ऐसे एक्साइटेड थी मैं, जो इतना लेट उठती थी ना मैं उससे आप लगा लो 2 से 2.5 घंटे पहले उठी और बड़ी एक्साइटमेंट से उठ गई। उसके बाद आपने देखा ही है कि हम बैडमिंटन खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने डिसाइड करी। हमने तो पूरी एक एक चीज़ जो है ना वो हमने लिख के रखी है। और ये उस दिन ना रात को मैं और जतिंदर बैठ के ये बुक कॉपी में ना सारा लिख रहे थे। हमने तो वैसे सारी चीज़ें लिख के रख दी थी कि हम इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, इसको इतना टाइम देंगे। बट चलो इतना स्ट्रिक्टली नहीं होता, बट इससे ये होता है आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आप क्या करने वाले हो। और आपने देखा होगा हमारे बेड साइड पे ना एक एक बुक रहेगी। ये जतिंदर पढ़ रहे हैं बुक और वो वाली पढ़ रही हूँ मैं, वो जो पढ़ी। तो ये भी हमने एक हैबिट ऐड करी है कि हम बुक रीडिंग भी किया करेंगे। हाँ, बट जो मेन चीज़ें हैं ना वो ये हैं कि सुबह फिक्स है हमारा कितने बजे उठना है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं ना वो खुद ही हमने बस ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या करना है, कि जैसे एक्सरसाइज करनी है, ब्रेकफास्ट हमारा फिक्स होगा, लंच फिक्स होगा, डिनर फिक्स होगा और सोने का टाइम फिक्स होगा। उसके अलावा हमने कुछ अपनी हैबिट्स चेंज करी हैं, बीच बीच में उनको फिल किया हुआ है तो वो ऐड करी हैं। बस कुछ चीज़ें फिक्स करी हैं जिससे कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो जाए। तो कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट डे बहुत अच्छे से हुआ, सेकेंड डे आपने देखा हम थोड़ा लेट हो गए उठने में। उसके बाद आज भी सेम ऐसे ही हुआ, बस हम 20-25 मिनट आज भी लेट उठे। मेरे को तो ऐसे हो जाता है कि यार एकदम से, मतलब ऐसा मैं क्यों नहीं उठ पाई, ऐसा सा। तो ऐसा भी नहीं फील करना, धीरे 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 चीज़ें होती हैं। बट जो सोचा है उसको फर्स्ट डे से ही इम्प्लीमेंट करो, ऐसे नहीं कि बहुत धीरे धीरे चीज़ें करेंगे। पेन है मेरे को कान में, तो पेन कैसे तेरे कान में, क्यों पेन है? और मैंने ना वो मार मार के पेन करती है। तो बस ठीक है, फिर पर्दा फाड़ो और काम खत्म करो। फिर तो मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं ना, जब चीज ही नहीं रहेगी कोई। तो कितनी बार तो बोलता हूँ मैं कि ईयरबड नहीं मारना है कान में, नहीं मारना, घुसे चले जाते हैं अंदर। मेरे कान में लगी होती है मारने, मेरे को नहीं मारना है यार ईयरबड। मैं साफ करवा लूंगा 200-300 रुपए में। कान में साफ करती हूँ ईयरबड मार के, जतिंदर को पकड़ के बैठ जाती हूँ जबरदस्ती। जतिंदर ऐसे भाग रहे होते हैं। चलो वो इनको करो अंदर, अगर जाते हैं तो पिंजरा उठाओ, बस कुछ नहीं करना। रुको रुको आराम से यार, तूने डरा ही दिया। तो मैं डराने में तो चाबी उठा ही रहे हैं, तो इनको खुले खुद ही चले जाएंगे पिंजरे में। हमें आगे तो जाना है अभी थोड़ी देर में। तो गाइज अभी ना हम लोग जा रहे हैं ENT डॉक्टर के पास। इस बार जा रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरे को ना बहुत टाइम से मेरे कान ऐसे लग रहे थे कि मतलब प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। और रोज रात को जब मैं सोती हूँ ना मेरे को कान में बहुत ऐसे इचिंग सी होती रहती है। और फिर ना मैं ईयरबड मारती रहती हूँ और ईयरबड मार मार के ना मेरे को लगता है जो कुछ कान में है भी है ना मैंने अंदर घुसा दिया है। और कल तो मेरे को लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कान में कुछ घुस गया है। अभी भी मेरे को ना ऐसे डाउट ही, और इसी वजह से जा रही हूँ कि चेक करवाऊँ जाके कि सच में कुछ है तो नहीं। कान में ना ऐसे फटफट सा कर रहा था कुछ, जैसे तितली नहीं ऐसे पंख हिलाती है वैसा कुछ लग रहा था। साले कहाँ कान में चली गई? नहीं कान में नहीं गई, पर अब कुछ गया भी होगा तो जिंदा थोड़ी होगा, मर गया होगा। पर पता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, वो क्यों हुए उसका मुझे पता चलेगा जब आपका नाक और गला चेक करूंगा। जतिंदर को ऑफ रोडिंग करनी थी ना। आर यू हैप्पी नाउ जतिंदर? ये मत बोलना है कि मेरे को ऑफ रोडिंग नहीं करने को मिली है, ये तो बहुत ज्यादा होगी। और ये ऐसी ऑफ रोडिंग है ना जिसमें आपको पता भी नहीं है, सरप्राइज ही मिलेगा सीधा अगर पानी में गए तो। सही बात। जतिंदर को ऐसे स्ट्रेस हो जाता है जब ऐसी ऐसी जगह आती है कि मेरी प्यारी गाड़ी को कुछ ना हो जाए। स्ट्रेस नहीं हो जाता, अगर फंसे ना तो ना उतरने जोगे, ना धक्का लगाने जोगे, ना कुछ करने जोगे। इस वजह से स्ट्रेस होता है। मेरे को तो ना ऐसे टेंशन ही हो गई है। जब मेरे को बैक पेन हुई थी तब गई मैं डॉक्टर के पास, तब भी टेंशन। और अब गई थी ENT के पास, तब भी टेंशन। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी, ये मेरे को पता था क्योंकि तभी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर वो थोड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें आई हैं। मैं अभी बस ऐसे है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ना एक ही रीज़न की वजह से हैं। और ऐसे ऐसे सरप्राइजेस मिले हैं ना मेरे को कि मैं क्या ही बताऊं। अभी मैं सारी चीज़ें आपको घर जाके बताऊंगी, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है ना, नॉर्मली मतलब लोगों की यही प्रॉब्लम है। चाहे आप घर से काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस से काम कर रहे हो, और उससे भी ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ऐसे विश्वास ही नहीं होते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और कभी कभी तो हम चेक भी नहीं करवाते हैं तो पता चलता है। तो एक बार घर पहुंचती हूँ फिर बताती हूँ सारी चीज़ें कि मेरे को क्या क्या चीज़ें बोली हैं। और जतिंदर गए थे ये दूध लेने, हाँ दूध मना किया डॉक्टर ने और भर भर के दूध मंगवाया। एक और कंफ्यूजन कि दूध है जो कि रात को ही पीना चाहिए सोने से पहले, बट मेरे को रात को ही नहीं पीना है सोने से पहले, ऐसे चाहे दिन में पी सकते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है लाइफ में। तो अब मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मेरे को ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये प्रॉब्लम हुई है सिटिंग की वजह से। जो हमारा जितना भी रूटीन बन रखा है ना, ये लाइफस्टाइल बेटा मतलब लाइफ पूरा हो चुका है, मतलब ये लाइफस्टाइल की वजह से ही है। और मैंने जतिंदर को इसलिए साथ में बिठाया ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं और अगर कुछ भूल जाऊं तो जतिंदर मेरे को बता दें। और आप सोच सकते हो कि एसिडिटी की वजह से आपके कानों पे फर्क पड़ सकता है, तो मेरे को यही प्रॉब्लम है। और मतलब ये तो हम सोच भी नहीं सकते। उसने जब मेरे कान चेक किया ना, आपने देखा ही होगा वीडियो में, कान बिल्कुल क्लियर, कोई वैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, ना पानी ऐसा दिखा। उसने कहा कि जो मेरे को वो आवाज़ आती है ना पानी जैसी, वो है एसिड। और वो एसिड मेरे पेट से गले में, गले तक तो पहुंचे हुआ, मेरे कानों में भी जो आवाज़ आती है वो भी एसिड ही है। जब वो बढ़ जाता है ना तो वो मेरे कानों में मेरे को ऐसे फील होता है। तो सारी प्रॉब्लम है डाइजेशन की और वो प्रॉब्लम है एसिडिटी की वजह से। और एसिडिटी वाली ये सारी प्रॉब्लम है जो ये हम बैठ के काम करते हैं सारा। तो मेरा जो मेन चीज़, उसने कहा दूध तो नहीं पीते हो आप रात को सोने से पहले, तो दूध तो मैं पीती ही हूँ। तो वो दूध कहा कि बिल्कुल नहीं पीना है बेड टाइम पे। और उसके अलावा खट्टे जूसेस नहीं आपने पीने हैं, अचार, चटनी, स्पाइसी फूड, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, कुछ भी नहीं खाना है। जंक फूड तो चलो मैं एक बारी के लिए अवॉइड कर दूंगी, वैसे भी नहीं खाती हूँ, बट और इतनी सारी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, दही, लस्सी, मैं खाऊंगी क्या मेरा सर मतलब सारी चीज़ें फिलहाल के लिए बंद है। कहते नहीं तो आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है और मुझे सुनने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैन यू इमेजिन। और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपका लाइफस्टाइल ही है, तो आपको वही चेंज करना है लाइफस्टाइल में। खाना पीना, एक्सरसाइज, वॉक, किस टाइम पे खाना चाहिए ये भी नहीं, उल्टे पुल्टे टाइम पे खा रहे हो। तो भाई सुधार लो अपना टाइम टेबल जो भी है। हमने भी फॉलो करना शुरू किया हुआ, अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट हम कर लेंगे मैनेज। और ये थी मेरी दुख भरी कहानी कान की। जब चाय की बात आती है ना तो अंदर से ऐसे होता है कि नहीं पीनी यार, नहीं पीनी बहुत स्ट्रांगली, बट कंट्रोल नहीं है। और अभी सेम वे से जतिंदर कहते हैं कि मैं तो चाय नहीं पीऊँगा, थोड़ी ऐसे एसिडिटी टाइप फील हो रहा है क्योंकि अभी इनो पी के आए। पर फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, मैं भी नहीं पीती। फिर साथ में कहते हैं चल थोड़ी थोड़ी तो पी लेते हैं। यार चाय का ऐसा है ना, बॉडी तो शायद कह रही है कि रहने दो, पर दिल कहता है कि ये दिल मांगे चाय, दिल ही नहीं मानता। बस दिल है कि मानता नहीं। मैंने आज बनाया हलवा और चाय अभी आ रही है। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड और हम करते हैं एंजॉय हलवा विद चाय। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।